वनघाट से आई है। अपने पत्नी को तो देख ले एक बार, पीछे तो देखो, देखो पीछे। खूबसूरत ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। जाने जा, जाने जिगर, तुम क्या जानो, I love you। यही है मेरा घर, ताजमहल। तुझे पूरी जिंदगी इसी घर में गुजारनी है मेरी जान। ठीक है कसम महाराज, मैं गुजार लूंगी। अरे देखो देखो, पहले बीबी को मरते हुए एक साल भी नहीं हुआ है और इसने दूसरी शादी कर ली, नालायक। अरे शिवा, तू बहू ले आया? हाँ ले आया, पहली वाली से ज्यादा गोरी है। अरे तो मुंह तो दिखाओ इसका, ऐसे फ्री में मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। बेचे है बहू देखने के लिए, पैसा चाहिए पैसा। अरे मुंह दिखाई दूंगी ना मैं, कितना देगी तू? सिर्फ 100 रुपए। तुम्हारी डोरू के दर्शन करने के लिए बैंक से मोटा लोन लेना पड़ेगा। रहने दे शर्मा जी, रहने दे, इसका मुंह देखने के लिए तेरा पूरा प्रॉपर्टी चला जाएगा, रहने दे। अरे लल्ला, पहली वाली को मरे मंडे मंडे 8 दिन भी नहीं हुए, ये अचानक दूसरी लाने की क्यों सोची? अरे क्या बोल रहे हैं शर्मा जी, बिना पत्नी के जीना भी कोई जीना होता है क्या? ठीक है, ये ले 10 रुपए मेरी तरफ से, बहू को लॉलीपॉप उठा दिए। हाँ हाँ लाओ लाओ, लॉलीपॉप की शौकीन है ये। अरे दर्शन तो कराओ नहीं भाभी की। हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर चलो, यहाँ दिखाऊंगा तो ये औरत भी देख लेगी। हाँ हाँ ले जा ले जा, तेरी ये पत्नी की सूरत देखने के लिए भूखी नहीं हूँ मैं। यहाँ धूप में तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी दूसरी बीबी की काली आत्मा आके इसके अंदर चली जाए और तुम लोगों को खा जाए। अरे लल्ला जल्दी दर्शन कराओ, रुका नहीं जा रहा, हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है। अरे थोड़ा सबर कर बुड्ढे, ये मेरी पत्नी है, कोई रसगुल्ला नहीं जो मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी पल्लू उठाओ यार, मुझे भूख लग रही है। दिल रुबा है ये मेरी, क्या भूख लग रहा है? ये मेरी जाने जिगर है, ये मेरी बीबी है, इतना जल्दी क्यों है आप लोगों को? अरे अपने पत्नी की ही दीवाने, इसे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे भूख लग रही है। इसका खोपड़ा देख के घर जाके रोटी बना के खाऊंगा, जल्दी दिखा। ले 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 ले, तू भी दर्शन ले ले, तू भी क्या याद करेगा, ऐसी लड़की जिंदगी में नहीं देखी होगी, दिखा दो अपना चेहरा। यह तो कोई नई वैरायटी लग रही है। अरे ये शहर की लड़की है, मालघाट से आई है। अरे शिवा बेटा, ये मालघाट से नहीं, शमशान घाट से आई है। अपने पत्नी को तो देख ले एक बार, पीछे तो देखो, देखो पीछे। अरे मैंने तो ऐसी माल नहीं उठाई थी, ये कैसे टपक गई? तू कहाँ भाग रहा है बुड्ढा? सबसे पहले तो मैं तेरा ही खून चूसूंगा। अरे अरे बचाओ, कोई निकालो मुझे यहाँ से। अरे सुनो चुड़ैल जी, इन सूखी हड्डियों को जमा कर तुम्हें अपना जबड़ा ही दुखाना है, आठ वाले आदमी तो पहले ही निकल लिए। अरे खून है ही कहाँ मुझ में, बीमार आदमी हूँ मैं, डॉक्टर ने बोला है खून का पानी हो गया तुम्हारा तो। अरे कुछ कर, नहीं तो चुड़ैल अंदर बुड्ढे को चटका देगी। क्या करे, तुम बहू ही ऐसे लेके आई हो। एक काम करो, किसी को बुलाओ, उस बुड्ढे का जान तो बचाना ही पड़ेगा। रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे बुड्ढू, पुलिस क्या करेगी इसमें, किसी तांत्रिक या भगत को बुलाओ। हाँ हाँ अभी बुलाता हूँ, मेरे पास एक तांत्रिक का नंबर है। जल्दी लगा, चुड़ैल का भरोसा ना है। अरे ये सपेरा कहाँ से आ गया? अभी तो तूने बोला था इसे फोन करने के लिए, भूल गया क्या?
अरे तांत्रिक को बुलाना था, ये कैसे करेगा चुड़ैल को कंट्रोल? अच्छा तांत्रिक अलग होता है क्या? मैं तो इसे ही तांत्रिक समझ रहा था। बोलो भाई कैसे बुलाना हुआ, कोई छाप का बच्चा दिख गया क्या? इसे सच बोल दिया तो ये भाग जाएगा। तो क्या करेगी? तू चुपचाप रहना, मैं कंट्रोल कर लूंगा। अरे जल्दी बोलो भाई, कोई साफ सपोला है या बीन का लहरा सुनने के लिए बुलाया है? अगर लहरा सुनना है तो पैसा देना पड़ेगा, वो भी पूरा 3,000। वहाँ अंदर एक नाग है, उसने हमारे शर्मा जी को पकड़ के रखा है। अच्छा दिखाओ मुझे, उसका टुकड़ा टुकड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम भी सपोला में नहीं है। देखो दो शिकार और आ गए हैं। अरे भाई सांप कहाँ है और ये डरावनी लड़की कौन है? यही है सांप। ये सांप है, मतलब तूने आज दिन में ही पी ली? यही है जो भी है। ये इच्छाधारी सांप है, अपने इच्छे से ये अपने रूप बदल के रखा है। अच्छा इसी की तो तलाश थी मुझे, रुक अभी मैं तुझे फिर से सांप बनाता हूँ। इतने देर से बीन बजा रहा हूँ, ये सांप क्यों नहीं बन रही? लगता है इसका गर्दन पकड़ के जादुई मंत्र बोलना पड़ेगा। इच्छाधारी नाग, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बीन की धुन को इग्नोर किया। आज के बाद किसी भी सांप को नहीं पकड़ूंगा। वीडियो का अगला भाग जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।